बात तो नहीं लेगा लेगा नहीं सर मेरे को चाहिए ना मेरे लिए लेगा फोकस काउंट बोल के आओ कोई अपना बंदा खड़ा करे बात रेडी चलिए रेडी ऑन कैमरा चलो चलो बंद करो ऑन कैमरा सर बोले साफ अरे वो जोड़ वाले तो ये देख रुक 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 मैं फोटो निकालने गया था अरे वीडियो मेरा इसलिए चलता है अभी चला रोहित शर्मा उसका तो फोटो कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा भाई नहीं भाई मैं तो उधर ही खड़ा था भाई ना मैं हूँ ना साइड में टेंशन किधर भी देखो तो ये कैमरा दिख रहा है आजकल मेरे को भोजपुरी का आजकल फाइडी का ही जमाना है सब रोल कर रहा है अपना बंदा देख बिलाल तू बीच में आके अभी मेरे को ही थोड़ा प्लेस नहीं मिल रहा बिलाल ओ बिलाल एंबियन छपरा छुपाइट मुझे पता है मतलब आइटम सॉन्ग है फिल्म आइटम सॉन्ग पता नहीं क्या है अपग्रेड चाहिए क्या है
ये बिलाल थोड़ा सरकना उधर, बस सरक रहा नहीं है बिलाल, देखो ना बस आरजीबी खत्म करते ना। ये एक बात बोलू क्या, साइड हट थोड़ा सा। शॉट ले रहा है ना मस्त, उसको देखा मैंने सोचा ये बहुत बनवेल भी था ना, वो बहुत चिल्ला रहा था उसको। हाँ मार्क लगा मार्क, अदा थोड़ा हटो ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्या शूट कर रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। Yeah.
कुछ मिलने वाला है ओ कबीर भाई अरे माफ हो तो बता दीजिएगा कोई प्लीज सॉरी नहीं नहीं वो निकल जा रहा है इधर ही तो है बाजू में चलो ना मैंने वो निकल जा रहा है मेरे को जो लगा है वो किधर है रे मीना कुमारी और नहीं नहीं ये दूसरा जो है इसका ही वो भी तो इधर ही है ना बाजू में सिटी मॉल के सामने इधर ही है बाजू में इधर ही है फिर इधर किधर है सिटी मॉल के सामने है देख 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 अरे इधर ही बाजू में हो टेंशन मत ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसा बाजू में जाएगा तो वो रेडी
क्यों खुले भाई, मैं आता हूँ तुम्हारे तुम्हारे इधर क्यों आखिर वटा वटा हाजी इधर देखो एक बार, अरे कैमरा नीचे थोड़ा सा पोज, हेलो रोशन दा अरे ये देख ना बिलाल को तो इधर से लो शॉट, थोड़ा सा क्लोज आ ना बिलाल, थोड़ा नीचे करना कैमरा, थोड़ा सा क्लोज है मेरे जगह पे, आपके मेरे को ही कर रहा है भाई, क्या हो रहा है नहीं नहीं अभी तो चालू हो गया पार्ट, ले ले चल पड़ा रहा, ले ले कुछ नहीं अभी लेना पागल, अभी कौन लोकेशन बनाना है तेरे को, ये डांस बना बाकी के शूट फुटेज मार लो, अरे बाकी का सब बिलाल के पास है, बिलाल एक भी नहीं छोड़ रहा माफ किया, क्या बात है, अरे संगम Thank you.
ऊपर से आओगे पहले का क्यों क्यों आओ वो निकल गया भाई और उल्टा हो गया पीछे कर थोड़ा अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत कैप्चर करते हैं हमें
हम इनको कैप्चर आज आप लोग हेलो कर दो सारे के सारे हेलो आप लोग हमें इतनी इंपॉर्टेंस देते हो मेरी बारी है आपने कितनी फोटो दी है मुझे मेरी बड़ी फोटो वर्सेस छापी है आज आपकी लवली याद है लवली और सब पीछे तो आओ चिल्ला बता कसम बहुत ठंडी लग रही है क्या है इधर ला वेट अरविंद अरविंद वेट 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 तीन ही दो स्क्रीन में सर सर थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा ये साइड पे आ जाओ ये साइड पे आओ मैम को बीच में ले लो नहीं वाइट नहीं सॉरी अरे रुको यार अरे हाँ मालूम है ये क्या है व्हाइट बैलेंस भाई 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 दिस इज अवर वेब फिल्म जिसके लिए हम आज फिल्म का नाम है लाइट्स कैमरा मर्डर इट्स अ मर्डर मिस्ट्री और मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं जो उस तरफ खड़े हुए हैं कपिल कौस्तुभ शर्मा उन्होंने लिखी भी है ये फिल्म एंड हम लोग सब वहीं उसी फिल्म से बिलोंग करते हैं एक्टर्स डायरेक्टर्स एंड मैम संभावना जी ऑनेस्टली मुझे जब ये फिल्म के लिए वेब सीरीज़ के लिए जब मुझे कॉल किया था इनफैक्ट जब मैं मिलने गई थी मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वेब सीरीज़ तो मेरे लिए बहुत मैं करना चाहती थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली इनकी वेब सीरीज़ कम्प्लीट हो चुकी है और मैं सिर्फ सॉन्ग में हूँ हाउ आई विश कि मैं पूरी वेब सीरीज़ में होती और कोई ना कोई कैरेक्टर अच्छा रोल कोई कर रही होती ऑफकोर्स नेगेटिव मे बी मेरा जो लुक है वो नेगेटिव ही आता है बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद देम बिकॉज एक तो ये यंगस्टर्स हैं जो बहुत कमाल का काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे बोथ आर परफॉर्म एक्चुअली थ्री ऑफ देम तीनों परफॉर्म कर रहे हैं अनिल इसमें हैं युवराज हैं एंड शाहजहान इसमें हैं बहुत ही अच्छा डांस करें बिकॉज थोड़ा सा ना डांसिंग में ऐसा हो जाता है कि आप प्रोफेशनल के साथ डांस करते हो तो थोड़ा बहुत घबराहट हो जाती है इनको ये नहीं पता कि एक्चुअली मुझे भी इनके साथ डांस करके घबराहट हो रही थी बिकॉज दे आर सो गुड और आई कैन ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर सीरीज It's an amazing experience so far, especially working with my good friend who I've known for a very long time, over 10-15 years, and to come together, to come to, so it's like a dream coming to India to shoot a Bollywood movie. I'm very fascinated by the role. The film project is amazing, the crew, the cast, everyone's amazing. So yeah, definitely looking forward to release of the film and urge everybody to watch the film, watch a web series, definitely. We are very, very lucky to get a very good ensemble cast. Like we have Meeta Vashad ji, excellent actor.
Mona Mukherjee ke liye, everyone knows how excellent she is. And Sambhavna, the queen of dance. We have got, like, you know, we are very lucky to get a very good cast. And there is Deandra Suarez also, a very good model. And luckily, we have managed to get a very good cast. And koshish yahi ki hai ki achhi banane ki. And I hope sabko achhi lage. It is definitely challenging, but we are lucky. We have been able to get all the best people. Like, you know, I think agar hamare apne pe confidence ho, product acha ho, creative ho, to good people work with you. That's somewhere true. They cooperate. That is true. एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं, वेब सीरीज नहीं है, ये वेब फिल्म है। मैं भी सीरीज ही बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इसको सीरीज बोल रही हूँ, ये वेब फिल्म है। हाँ जी, अब पूछिए आप। मैसेज कन्वे करने के लिए कितना वेस्ट मीडियम हो गया और कितने अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ गई, देखा जाए तो लोगों के लिए फिल्में देखने के लिए, वेब सीरीज के लिए कंटेंट अभी मिल रहा है उन्हें जो ये बना रहे हैं। सबसे मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, बट मैं इसके बारे में हमेशा से बहुत सुनती आ रही हूँ कि ये बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है लोगों तक पहुँचने का, अपना टैलेंट दिखाने का। अब आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ एक फिल्म का वेट करो कि मुझे फिल्म कब मिलेगी और मैं अपना काम दिखा सकता हूँ लोगों को। आई थिंक अब ये माध्यम ऐसा बन गया है जहाँ पर आप लोगों तक बहुत ईजीली पहुँच सकते हो, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो डेफिनेटली क्लिक करेगा, और अगर लोगों को कुछ पसंद आ गया तो फिर देर इज़ नो लुकिंग बैक। मोना जी, आपसे जानना चाहेंगे, माई एक्सपीरियंस इन द फिल्म। मेरा रोल इस फिल्म में शायद सबसे ज़्यादा यूनिक है, बाकी किसी का ऐसा रोल नहीं है। Everybody gets to romance, everybody gets to dance, but nobody gets to be a ghost. So I get to be a ghost. बाकी सब मिस्ट्री है, बाकी आप जब रिलीज होगी तब देखिएगा। Soon, I think mostly in June or July, we are preparing flop ourselves. Flop actor in the film. Oh, that is my character. I'm playing a flop superstar. So mostly, I think in June or July, because after this song, we have to work on post-production. Then within a 2 or 3 months, we'll be ready for the release. क्योंकि इनसे अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह। पर युवराज को फीमेल ड्रेस में डांस करते हुए आप देखेंगे। मुझे अभी याद है, शूटिंग के लिए गए थे और ये पूल साइड डांस था और लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे और I was like नहीं नहीं नहीं, वो लड़का है, लड़का जैसे इसकी कहानी, जैसे इसकी कमर लचकती है। अच्छा, I've also heard that he's a fantastic कथक डांसर also. तो कथक की जिसको नॉलेज हो उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप इनसे पूछ रहे हैं। एक क्वाइट फोर्स है मैम, ये बंदा he's a quiet force, तो चुपचाप काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, दुनिया भर के टैंट्रम सह करके ये बंदा काम करता है। अच्छा, ये इनसे सबसे पहले मैं मिली थी जब इसके लिए बात हो रही थी, इस सॉन्ग के लिए बात हुई थी, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात अनिल से ही हुई थी, कपिल से हुई थी। तो मैं जब कपिल को हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, कपिल से मिली थी। ये कपिल शर्मा से कपिल शर्मा याद आ जाता है ना सीधा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, सॉरी। कपिल से मिली थी मैं, और जब मैं कपिल से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो ठीक है, ये तुम सारी बातें कर रहे हो, लेकिन बेटा पापा किधर है, पापा बात करेंगे ना सारी लोग। तो ऐसा लग रहा था कि पापा के ब्याह पे बच्चा बात कर रहा है। फिर मैं इनसे मिली, मैंने अपने आप को थोड़ा मनाया कि अच्छा ये है फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है यार, प्रोड्यूसर शायद कोई बहुत ही कोई बूढ़ा इंसान होगा। कट टू मेरी मुलाकात इनसे, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं बच्चों के साथ काम करूं, लेकिन ये जो बच्चे हैं बहुत कमाल का काम कर गए हैं फिल्म में, बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने यार। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी चीज़ बनी है, और अच्छी चीज़ को लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और मेरा मानना यह है डेफिनेटली जो इनका काम मैं आज देख रही हूँ, इन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो लोग पसंद करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन दिलक निकल दो झूम है ना इन लोग को संभावना छोड़ो अरे झूमच रहा है लोग ना सारे अनपढ़ है सारे सारे अरे हटना पीछे अरे बापू बापू पीछे भी है सोलो करू Thank you, sir. Yeah. Yeah. Yeah, look here. Oh, lal. Yeah, look here. Yes, sir. Ah. Ah. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर
दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।